अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लाई हूँ चावलों के पिंडे, जिसे चावलों के लड्डू भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेंगे राइस फ्लोर, और ये है मक्खन शहराज बेकरी का, ये मैंने 80 रुपीस का लिया है एवरीडे, और कोकोनट क्रश हुआ, बादाम पिसे हुए और पीनट्स पिसे हुए। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 कप राइस फ्लोर। कप चूंकि मेरा बड़ा था इसलिए मैंने 1 ही कप डाला है, और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है कि बस ये इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी। चूँकि मेरा कप बड़ा है तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप डाला है, और इसको बॉयल करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे मक्खन। मक्खन से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी कोई मीठा बनाना है तो जितना गुड़ उतना मीठा। तो जनाब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम अपने सारे ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा पकाना है ताकि इसका फ्लेवर सेम ही रहे। उसके बाद हमने जो राइस फ्लोर भुना हुआ था वो हम डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे एवरीडे पाउडर और साथ ही साथ कोकोनट पाउडर। अगर कोकोनट पाउडर अवेलेबल है तो डाल लें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके छोटे छोटे बाउल्स बनाएंगे। लीजिए हमारी रेसिपी तैयार। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।